पानीपत में शुगर मिल की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मिल का निर्माण सन 1956 में किया गया था। इस शुगर मिल में गन्ने की पिराई अब तक पुरानी मशीनों से हो रही है। शुगर मिल में भाप का इंजन होने के कारण पानीपत में प्रदूषण का प्रकोप बढ़ रहा है। आपको बता दें कि प्रदूषण फैलाने के इल्जाम में पानीपत शुगर मिल पर 25 लाख और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा अपने कार्य को ठीक तरह से ना निभाने पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी ने हमारे ऊपर 25 लाख रुपए का फाइन देख लगाया है कि आपके जो रिक्वायरमेंट्स है वो पोल्यूशन कर रही है जो यूनिट्स है, जिसके कारण 25 लाख का हमें फाइन लगाया है। 5 लाख रुपए उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे लगाया है। जैसे कि उन्होंने जो कमी थी ना, हमने उसको सुधार भी दिया। हमने जो उसको यूनिट्स जो हमने पार्ट्स लगवाने थे, हमने ग्रीन फोर्स एक कंपनी है उससे कह के स्क्रबर वगैरह लगवा दिए, और आज और हमने रिपोर्ट भी पेश कर दी कि अब आज की डेट में कोई भी पोल्यूशन नहीं हो रहा और हमारी यूनिट जो है ये पोल्यूशन फ्री है। फिर भी एनजीटी ने ये कहकर कि ये जिस समय कंप्लेंट की गई थी उस समय पोल्यूशन था, ये कहकर फाइन लगाया है। इसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। बीइंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस पर दया की जाए, क्योंकि वैसे ही फाइनेंशियल लॉस बहुत है और आज की डेट में हमने उसको सही भी कर दिया है। ये जरूर एक पेनल्टी जरूर है हमारे ऊपर, हमने 25 से ज्यादा तो इन्वेस्ट भी कर दिया इसके ऊपर उसको सुधारने के लिए। ऐसा जी, सबसे ज्यादा पुरानी मशीनरी होने के कारण ना ये प्रदूषण ज्यादा करता है। इसमें जो बाफ वाले इंजन पहले ट्रेन में थे वो इंजन है, इतना पुराना मेटेरियल है, मतलब हरेक वर्कर ने एक एक मिनट का जान माल का खतरा है। इस वजह से प्रदूषण भी ज्यादा इसमें न मिल चल रहा, जमींदार भी दुखी है, सरकार इस बारे में कुछ कर नहीं रही। सरकार ने 3 साल पहले पत्थर लगा था हमारा मिल 18 महीने में ना लगा के देगी, लेकिन अब तक चार दुआरी भी नहीं हुई है। कंट्रोल प्रदूषण करने के लिए इसके जो बाफ वाले इंजन है वह बदलकर ये इलेक्ट्रॉनिक करना चाहिए, जिससे सारा प्रदूषण खत्म हो।